वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ा झटपट ज़बरदस्त सा मैंगो एप्पल शरबत बनाते वो भी मेरे स्टाइल में, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चलिए सबसे पहले हमारे पास दो आम हैं, तो हम इसके क्यूब्स बना लेते हैं। जितना मीठा आम होगा इतना ज्यादा फ्लेवरफुल ये बनेगा। इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। मैंगो कैसा फ्रूट है जो 99% सभी को बहुत पसंद होता है, सीजनल है, जब भी आता है लोग अटैक कर देते हैं, तो मैंने भी अटैक कर दिया है। मैंने कहा जितनी हो सकता है चीज़ें बना लेते हैं। ये वैसा शरबत है जो बहुत जल्दी भी बन जाएगा, बहुत क्वांटिटी में भी बन जाएगा और बहुत मज़ेदार भी लगेगा। ख़ास तौर से ठंडक बड़ी हो जाती है इसमें, दिल को, दिमाग को, पेट को, पैसे को, क्योंकि ज़्यादा ये एक्सपेंसिव नहीं है, ना इसमें कोई ख़ास चीज़ें जाती है और फिर ढेर सारा बन जाता है। चले ये हमारा लास्ट भी हो गया। अब गुटलियाँ तो हम आराम से बैठ बैठ के खाएंगे, क्योंकि मुझे गुटलियाँ तो बहुत पसंद है, जोई को भी बहुत पसंद है। जब मैं छोटी थी ना, जब मेरे डैडी मैंगो का रस निकालते थे तो यहाँ राइट पे मैं बैठती थी, लेफ्ट पे मेरा भाई बैठता था। वो खूब निकालते थे, वो जो नहीं एक ज़माने में निकालते थे घोल घोल के, तो एक मतलब एक भाई को छिलका मिलता था और बहन को गुटली मिलती थी। तो मेरे डैडी जो है मेरे लिए हमेशा ज़्यादा रखते थे। मैं दो भाइयों की एक ही बहन हूँ, तो मैं बड़ी लाडली भी हुआ करती थी, अभी भी हूँ। तो मुझे गुटलियाँ जब से बहुत पसंद है, तो मैं अभी भी ज़्यादा रख लेती हूँ कि खाऊँगी। चले अब इसमें हम क्या करते हैं, 4 टेबलस्पून शक्कर डाल देते हैं। अगर आपके आम मीठे हैं तो आप कम डाल लें, हमारे इतने ज़्यादा मीठे नहीं हैं, लेकिन डिपेंड्स आप पर है कि कितने मीठे हैं। आप इसे ग्राइंडर जूसर किसी में भी कर सकते हैं, बेसिकली हमें तो ये इसका हुलिया बिगाड़ देना है आमों का। चले ये अच्छी सी प्यूरी बन गई है। अब हम इसको एक बड़े से बर्तन में लेते हैं और इसको हमें छानना है। दो मैंगो होंगे और दो एप्पल्स होंगे, आप बहुत सारे लोग एंजॉय कर सकेंगे। एक्चुअली क्या होता है, चीज़ें अच्छी हो और बजट फ्रेंडली हो तो और भी मज़ा आता है, ख़ास तौर से रमज़ानों में जहाँ हर चीज़ ही महंगी हो जाती है। चले अब ये जो मेरा लेफ्ट ओवर बचा है ये मैं लेके इसी तरह कर लूँगी। बस बेसिकली देखा जाए तो हमें यही एक काम करना था, अब कुछ काम ही नहीं करना है कि इसकी अच्छी सी छान ले प्यूरी, बाकी तो झटपट 2 सेकंड में हर चीज़ डम करेंगे और मज़ेदार सा बना लेंगे। पहले से आप बना के फ्रिज में रख लें और फिर मज़ेदार सा हो जाएगा। सिर्फ ये कि इसके लिए बर्फ़ का इंतज़ाम ज़्यादा करें, ये जितना ठंडा होगा इतना मज़ेदार लगेगा। चले नीचे से भी ले लेते हैं, इतना अच्छा अच्छा पल्प हमारा। चले अब हम इसमें डाल देंगे 2 कप एप्पल जूस, किसी भी किस्म का आप ले सकते हैं, कोई भी ब्रांड का, रेडीमेड हो, घर का हो। और इसमें अब हम डालेंगे 3 कप दूध। एक कप पानी डाल देंगे। अच्छा ये पानी आप उस वक्त भी डाल सकते हैं कि अगर आप ब्लेंडर में मैंगो को पीस रहे हैं और आपको ज़रूरत है, नहीं पिस रहा है, तो यही कप पानी उसमें भी जा सकता है, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून ऑरेंज कलर और लेस देन 1/4 यानी 1/8 टीस्पून जर्दे का रंग, तो ये डाल देते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो ना डालें, लेकिन इससे खूबसूरत कलर बनता है। अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारा बर्फ, ढेर सारा। तो चले अभी मैं इतना डालती हूँ, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी डालेंगे। देखिए चले अब हम इसे हिला लेते हैं, खूब ज़बरदस्त सा ठंडा करेंगे।
अच्छा, अब ये जो है इस पॉइंट पर आपको चखना है कि आप इसमें चाहें तो एप्पल जूस डालें और चाहें तो दूध डालें, चाहें तो पानी डालें, आपकी मर्ज़ी है और आपका दिल चाहता है तो आप इसी तरह पिए, मोर कंसंट्रेटेड मोर लाइट, आपकी मर्ज़ी है। चलें, अब ये बर्फ़ में ठंडा ठंडा हो रहा है जब तक हम अपने दो एप्पल छील लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ 11 एप्पल है, आपका जो दिल चाहे आप ले सकते हैं। ये थोड़े स्वीटर होते हैं तो मैंने ये पिक किए हैं, और थोड़े वो भी होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, तो बस हमें इसकी स्किन निकाल लेनी है। एप्पल जो है वो तवानाई देगी, मैंगो की खुशबू फ्लेवर, ये शरबत जो है तबंग अच्छा है, तबंग दिल खुश हो जाता है, पेट खुश हो जाता है। चले ये तो हो गया, और अब हम एक श्रेडर ले लेंगे और डायरेक्ट हम इसमें हमारे एप्पल्स को श्रेड करेंगे। ये साउंड तो बड़ा वियर्ड है कि एप्पल के हम ये रेशे कर रहे हैं, ये श्रेड कर रहे हैं, लेकिन पीने में ख़तरनाक लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा जब मुंह में आता है ना, ठंडक भी पड़ जाती है और एक ऐसा लगता है कि क्या चीज़ है यार, ज़बरदस्त। चले ये हो गया हमारा, देख लेते हैं अंदर से जो भी है निकाल लेते हैं। बस इसको अब हम ज़बरदस्त सा ठंडा करेंगे। चले अब हमें इसे और भी ठंडा करना है, और भी ठंडा करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ ऑर्गेनिक सिलिकॉन आइस क्यूब्स हैं, ये हम थोड़ी डाल लेते हैं और ठंडा भी हो जाएगा, और जब फारे होंगे ये ख़त्म होगा तो दोबारा इसको फ्रीज कर देंगे। तो चले इसको डालते हैं। अच्छा, इस क्यूब्स का फ़ायदा ये है कि ये डाइल्यूट नहीं करेगी हमारे ड्रिंक्स को और ठंडा भी कर देगा, और फिर जब ये हम यूज़ कर लेंगे दोबारा इसको फ्रीज़र में रखेंगे, दोबारा जम जाएगी। जैसे बर्फ़ जो है पिघलता है वो डाइल्यूट कर देता है ना, तो ये डाइल्यूट नहीं करेगा। तो देखें अब और ठंडा ठंडा हो जाएगा। अगर आपको डाइल्यूट नहीं करना है और ठंडा करना है तो आप फ्रिज में रख दीजिएगा। मेरे पास तो इस वक्त टाइम नहीं था, मुझे डाइल्यूट नहीं करना था और ठंडा करना था, इसलिए मैंने क्यूब्स डाल दी। तो देखें अब मस्त ठंडी हो गई है, ज़बरदस्त सी। चले जी अब मैं अपना ग्लास भरती हूँ, बल्कि आपका भी भरूँगी। शरबत वाली शरबत ले लो। देखा कैसा झटपट सा हमारा एप्पल मैंगो शरबत बन गया। आइए आपका इंतजार था। देखिए मैंने इसीलिए 3 ग्लास भरे हुए थे, इस मरतबा तो रियल रियल मैं वेट कर रही थी। चले मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। दो तीन वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नंबर 1, ठंडा बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, जो एप्पल के जो श्रेडेड आए ना, वो चबाने में एक चेरी ऑन टॉप लगा। नंबर 3, इस कदर बेहतरीन दूध के साथ वो मैंगो का लग रहा है, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड लग रहा है, और फिर सस्ता भी है। देखें आप, दो मैंगो दो एप्पल में देखें कितना ढेर सारा बन गया। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा शक्कर और डाल के डाइल्यूट भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग के मैंगो बहुत मीठे हैं तब डालना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ डाइल्यूट ही कर सकते हैं, थोड़ा दूध डाल दें या थोड़ा पानी डाल दें, है ना, मानते हैं। चले जाएं जल्दी जल्दी जाके बनाएं, एक आध मरतबा ट्राई कर लें, ताकि इफ्तारों में डिफरेंट डिफरेंट किस्म के ड्रिंक्स बनाएंगे और मज़े करेंगे। ठीक है, चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल।
बाय, अल्लाह हाफिज़।